हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू किया था, उसमें हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक कंप्लीट किया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, तो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट और कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखिए डियर फ्रेंड्स, एक ही रिजल्ट है, जेड जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, इसका हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। नंबर फर्स्ट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, जेड बार एक्स प्लस आइटा वाई, इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आएगा, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है इक्वेशन नंबर टू आ गया। फ्रेंड्स, यहां मोड जेड का भी जिक्र हुआ है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखिए फ्रेंड्स, क्या जाएगा, मोड जेड यहाँ पर किया जाए तो क्या जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई का मोड। तो फ्रेंड्स, ये कितना आ गया आपका, मोड जेड रूट एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर। फ्रेंड्स, देखिएगा, यहाँ से मैं अगर स्केयरिंग बोथ साइड करता हूँ, मोड जेड का स्क्वेयर क्या जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। फ्रेंड्स, ये हमने डाल देंगे इक्वेशन नंबर तीन। अब हमने ये साइड इज इक्वल टू ये साइड लेके आनी है, तो फ्रेंड्स मैं LHS लूंगा, नाउ LHS लेफ्ट हैंड साइड जेड जेड बार। देखिए फ्रेंड्स, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई, और जेड बार की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, एक्स माइनस आइटा वाई। तो फ्रेंड्स, देखिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो फ्रेंड्स क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो फ्रेंड्स, ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस आइटा वाई का होल स्क्वेयर। फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर हमने देखिए जेड और जेड बार की वैल्यू हमने यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड करा है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, ये आपका LHS ही चल रहा है, तो यहाँ से कितना एक्स स्क्वेयर, और फ्रेंड्स आइटा स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, पहले लेक्चर में बताया था, माइनस में माइनस वन वाई स्क्वेयर। तो देखना फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, LHS क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस कितना आ गया, वाई स्क्वेयर। ठीक है भाई, और देखिए यहाँ से नंबर तीन से ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, मोड जेड के स्क्वेयर के, क्या लिख दोगे, यूजिंग इक्वेशन थ्री। तो ये क्या है फ्रेंड्स, RHS, तो यहाँ से क्या मिला, LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इंप्लाइज जेड जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वेयर, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक फ्रेंड्स, आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले रिजल्ट की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, लेट द पॉइंट पी ए बी
represents the complex number z is equal to a plus iota b. रियल एक्सिस ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। तो देखिएगा ये पॉइंट पी है ए बी, ये आपका पॉइंट पी किसको डिनोट करता है, ए प्लस आइटा बी को, इसको हमने जेड कहा है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशंस आपको पहले सिखाई है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो देखिएगा ये पॉइंट पी हमने डिनोट किया है। तो पॉइंट पी, ये पॉइंट पी मिला कैसे इस एक्स वाई प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, हम एक्स एक्सिस पर ए यूनिट चले हैं और वाई एक्सिस पर कितना चले हैं, बी यूनिट, डियर फ्रेंड्स, तब जाके हमें ये पॉइंट मिला है। अब स्टूडेंट्स हम ये डिस्टेंस ले, लेट ओ पी, ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, आर यूनिट ले लिया है। डियर फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस है हमने क्या ले लिए, आर यूनिट, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिएगा लेट थीटा बी द एंगल विच ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस। तो डियर फ्रेंड्स ये जो एंगल है क्या हो गया है, थीटा हो गया है। तो देखिए आगे लिखते हैं, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स। डियर फ्रेंड्स यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं और इस फ्रेंड्स इस पॉइंट को जो है फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, एम। तो ये पी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैंने एम कहा है, तो ओ से लेके एम पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए यूनिट हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। और ये पी पॉइंट से एम पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बी यूनिट, क्योंकि वाई एक्सिस पर हम बी यूनिट चले हैं। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल बन के, राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगी। अब यहां हमने पी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स ड्रॉ किया है सच दैट ओ एम इज इक्वल टू ए एंड पी एम इज इक्वल टू बी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स हमने जेड पॉइंट की पोलर रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो हम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हम जेड की पोलर रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे। उससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मॉडुलस की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियरली ट्राइंगल ओ पी एम इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस पी एम स्क्वेयर। तो फ्रेंड्स यहां से OP का वैल्यू कितना हो जाएगा, मान रखा है हमने R, ये R स्क्वेयर हो गया,
डियर फ्रेंड्स, ओ से एम तक की डिस्टेंस कितनी है, ए यूनिट है, ये ए स्क्वेयर हो गया। पी एम कितना है हमारा, बी बी स्क्वेयर हो गया यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमें आर का वैल्यू मिलेगा डियर फ्रेंड्स, वो क्या मिलेगा, स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर। डियर फ्रेंड्स, कई जो स्टूडेंट्स पूछा करते हैं सर आर स्क्वेयर, अगर आर स्क्वेयर की वैल्यू ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर है तो सर आर ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट और भार क्या आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए। तो आपको मैंने बताया ना कि ये जो है आर क्या है, ओ और पी के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, मतलब कि हम इसको हमेशा यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट लिख के चलेंगे। ठीक है जी, डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस जीरो हो सकती है परंतु डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा आर की वैल्यू क्या ली जाएगी, हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि आर क्या है, ओ पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, ये आर जो है क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। दैट इज डियर फ्रेंड्स, आर को मैं लिख सकता हूं मोड जेड भी लिख सकता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, हम पोलर फॉर्म की तरफ चलेंगे। यहां से हमारा मॉडुलस तक का सफर तय हुआ है इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी एम वी हैव, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी एम वी गेट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हम पोलर फॉर्म को निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ओ एम अपॉन ओ पी, तो ये ओ एम क्या है डियर फ्रेंड्स, ये बेस है, और ओ पी क्या है, हाइपोटेनियस। तो ये क्या बनता है, कॉस थीटा, क्या बनता है, कॉस थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से बताइए मेरे को ओ एम की वैल्यू कितनी है, ए है, और यहां से ओ पी का वैल्यू कितना है, आर। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आ गया है। तो यहां से डियर फ्रेंड्स, आपके इस ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है आर कॉस थीटा, ये आपका आ गया जी वन। अगेन अगेन इन ट्राइंगल ओ पी एम वी गेट। देखिएगा, अब हम पी एम अपॉन में ओ पी करते हैं, पी एम अपॉन में ओ पी, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या बनता है डियर फ्रेंड्स, साइन थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पी एम का वैल्यू कितना है, बी यूनिट, और ओ पी का वैल्यू कितना है, आर यूनिट, और इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखा जाए तो बी का वैल्यू कितना आ गया, आर साइन थीटा। इसको डियर फ्रेंड्स हमने क्या दे दिया है, नंबर दो। नाउ जेड हमारा क्या है, ए प्लस आइटा बी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम जेड इज इक्वल टू ए का वैल्यू लगाते हैं, ए का वैल्यू कितना है हमारा, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा। बी का वैल्यू कितना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखा जाए तो आर कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो हमारे पास जेड का रिप्रेजेंटेशन आया है, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, वेयर वेयर आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, विच इज पोलर पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से अगर देखा जाए तो आर क्या है आपका, आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट,
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। फ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं अभी। आई थिंक आपको ये पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है समझ में आई होगी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आइटा बी की पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आई होगी डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, डी मोरीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डियर फ्रेंड्स। ये रिजल्ट काम आएगा हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टडी में। लिखा हुआ है पहला रिजल्ट डी मोरीज थ्योरम का, यदि एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एन कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है। क्या लिखा है, इफ एन बी एनी इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव, देन कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल टू द पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। तो डियर फ्रेंड्स ये रिजल्ट आपका सबसे पहला रिजल्ट कंप्लीट हुआ, डी मोरीज ने ये रिजल्ट दिया था। आगे देखिएगा फ्रैक्शन के लिए दूसरा रिजल्ट दिया हुआ है, क्या है, इफ एन बी ए फ्रैक्शन, यहां पर क्या दिया है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, देन वन ऑफ द वैल्यूज, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल टू द पावर एन इज क्या रहेगा, मतलब कि इसकी बहुत सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू ये हुआ करेगी। यहां लिखा हुआ है फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, यहां पर रैशनल नंबर हो सकता है, एन कोई रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है जी। फ्रैक्शन तो हमेशा पॉजिटिव रहा करता है, रैशनल नंबर, रैशनल रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में डिफरेंस ये होता है कि फ्रैक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहता है और रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है रैशनल नंबर। तो यहां पर फ्रैक्शन की जगह रैशनल नंबर लिख सकते हैं हम, इफ एन बी ए रैशनल नंबर, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब इसको इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि क्योंकि फ्रैक्शन जो है नेगेटिव नहीं होता है, इफ एन बी ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल टू द पावर एन क्या रहेगी, कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। तो डियर फ्रेंड्स आपको जेड के बारे में अभी मैंने पोलर फॉर्म बताया था, वहां पर जो हमारा जेड का रिप्रेजेंटेशन आया था, जेड क्या था हमारा, ए प्लस आइटा बी, ठीक है जी। पोलर फॉर्म में हमने जेड को क्या बनाया था, जेड आर इज इक्वल, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो डियर फ्रेंड्स हम इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू आर इक्की आइटा थीटा, ये भी जेड का पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है, वेयर वेयर इक्की आइटा थीटा मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस थीटा, कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ई रेज टू पावर आइटा एन थीटा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और ये क्या है आपका, ये क्या है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल टू द पावर एन है, ठीक है। हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है जी, ये अंदर का जो क्या है ई की पावर आइटा थीटा है होल टू द पावर एन है, मल्टीप्लाई होके यही बनेगा आपका, ये रिजल्ट आपका बन के आ जाएगा। तो
आई थिंक डी मोरीज थ्योरम के बारे में फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, ये रिजल्ट काम आएगा हमारे इस पेपर की स्टडी में, कहीं ना कहीं काम आएगा। तो अच्छा रिजल्ट था, अच्छे रिजल्ट्स में से एक अच्छा रिजल्ट है, तो आई थिंक आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी यूनिमोडुलर इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू वन। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को यूनिमोडुलर कब कहेंगे? जब उसका मॉडुलस जो है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बन आ जाए। आपके पास यूनिमोडुलर की डेफिनेशन बन गई है। क्या डेफिनेशन बनी है? कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यूनिमोडुलर कब कहलाएगा? जब उसका मॉडुलस वन आ जाए या उस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाए, वन आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यूनिमोडुलर। और में कह सकते हैं ना, और में एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी यूनिमोडुलर इफ एंड ओनली इफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज वन। तो फ्रेंड्स ये दो डेफिनेशन जो है इसकी बन चुकी है। एक रिजल्ट और बना सकते हैं हम यहां पर, इफ जेड कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है देन जेड अपॉन जेड बार इज ऑल्सो यूनिमोडुलर। फ्रेंड्स हमने ये बताया कि जेड कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड अपॉन जेड बार भी क्या आएगा, यूनिमोडुलर आएगा। दैट इज जेड अपॉन जेड बार का मैग्नीट्यूड मॉडुलस भी कितना आएगा, वन आएगा। जेड अपॉन जेड बार की जो एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी आएगी, वन आएगी, यूनिमोडुलर। क्योंकि क्योंकि कारण क्या है, देखिएगा जेड बार का मॉडुलस और जेड का मॉडुलस सेम होता है। डियर फ्रेंड्स तो आई थिंक आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा, ये यूनिमोडुलर की डेफिनेशन थी। एट लास्ट स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स आपको अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आपके जो कमेंट आते हैं डियर फ्रेंड्स, मैं उनसे मोटिवेट होता रहता हूँ और इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।